नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता खांडेकर एमएनएस न्यूज लाइव के सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। घर में भयंकर आग लगने से तीसरे फ्लोर पर फंसी मेड, एक कुत्ते की हुई मौत। पूर्व कर्मचारी ने कंपनी के सीनियर मैनेजर को मारी 5 गोली, पुराना हिसाब करने आया था हत्यारा। कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हो चुका है। जन घोषणा पत्र के माध्यम से कांग्रेस ने प्रदेश की जनता से कई वायदे किए हैं। कई लोग इसे किसानों के हित में बता रहे हैं तो कई इसे चुनावी और लोका लुभावन घोषणा पत्र बता रहे हैं। कई लोगों का कहना है किसानों के कर्ज माफी की घोषणा तो कर दी, पर इसे चुकाया कैसे जाएगा ये नहीं बताया। साथ ही बिजली बिल आधे करने को लेकर क्या योजना है इसकी भी कुछ जानकारी नहीं है। कुल मिलाकर उनका कहना है कि ये चुनावी लोक लुभावन है। इस मैनिफेस्टो में कुछ भी नया नहीं है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो भी बातें लिखी है वो सभी पर बीजेपी अमल कर रही है। अब असलियत तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा पत्र जारी करने के बाद कहा है कि हमने हवा हवाई वादे नहीं किए हैं, तो वही लोगों ने भी इस घोषणा पत्र पर मिले जुले बयान देकर कांग्रेस ने ये घोषणा पत्र जो जारी किया है वो सही में जनता के मन में जा रहा है, जैसे किसानों का सीधा सीधा कर्जा माफ। आज कई किसान के 5 लाख हैं, 6 लाख हैं, इसमें निश्चित रूप से किसान हैं वो बिल्कुल अट्रैक्टिव हो रहे हैं कि हाँ होना चाहिए ये माफ कर्ज, और इस पर किसान प्रभावित हुए हैं। इसके बाद बिजली का जो हाफ वाला जो सिस्टम है वो भी लोग याद रखेंगे 5 साल, और कराने की कोशिश करेंगे। ये दो को सीधा सीधा व्यक्ति लाभ है। और सबसे ज्यादा दुखी कोई था तो किसान ही था जो। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिवाली के दिन देर रात अचानक ग्रेटर कैलाश पार्क 2 के एक मकान में आग लग गई। इस दौरान ग्राउंड फ्लोर पर खड़ी 3 कारों में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते आग तीसरी मंजिल तक पहुंच गई। आग की चपेट में आने से तीसरी मंजिल पर रखे 3 सिलेंडर में ब्लास्ट हो गए। इस दौरान तीसरी मंजिल पर घर में काम करने वाली मेड आग में फंस गई। सीढ़ियों पर आग लगने के कारण वह बाहर नहीं आ पा रही थी। सूचना के बाद मौके पर तुरंत स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग पहुंच गया। करीब 2.5 घंटे के मशक्कत के बाद मेड को फायर क्रेन की मदद से नीचे सुरक्षित उतार लिया गया। आग की लपेट में आने से एक मर्सिडीज, होंडा मोबिलिटी और क्रेटा कार जल गई। इसके अलावा एक पालतू कुत्ते की आग में जलने से मौत हो गई, जबकि एक को बचा लिया गया। अब बढ़ते हैं अगली खबर। फरीदाबाद में टाटा स्टील कंपनी के पूर्व कर्मचारी ने सीनियर मैनेजर अरिंदम पाल की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी कंपनी के दूसरे गेट से फरार हो गया। आरोपी ने अरिंदम पाल को 5 गोली मारी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो कंपनी के कर्मचारी तब तक उसे अस्पताल ले जा चुके थे। पुलिस के मुताबिक हत्यारा कंपनी से अपना पुराना हिसाब करने के लिए आया था। इस दौरान उसने सीनियर मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी। एसएचओ अशोक कुमार ने कहा कि अगर कंपनी की तरफ से शिकायत आएगी तो मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।